बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है दौरे जमाल और दौरे जलाल। दोस्तों, ये दौर अल्लाह जल्ले जलालहू की जमाल का है और रहमानियत के मतहत चल रहा है, इसलिए सबको रिजक दिया जा रहा है। जैसे सूरज की रोशनी अच्छे बुरे हर इंसान और मकाम पर यकसां पड़ती है, इसी तरह दोस्त दुश्मन सबको रिस्क मिलता है। इसकी वजह जमालियत व रहमानियत है। सारी दुश्मन नवाजियां, दुश्मन पालियां बतकाज़ा रहमानियत जारी हैं। हाँ, जब जमालियत अपने कमाल को पहुंचेगी तो फिर कौसे जलाली का आगाज होगा। जमाना खरूज की इब्तदा जलाल का आगाज है। पांच अदवारे खरूज गोया पांच दर्जाते जलाल होंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि दुश्मन भीख मांगता नजर आएगा, फिर भीख बंद कर दी जाएगी। लैट्रीन की गंदगी खाकर जिंदगी गुजारेगा, फिर सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। शहंशाह जमाना अजरल्लाह फर्ज शरीफ आज इसमें रहमान के मताहत चल रहे हैं, इसलिए सबको रिस्क मिल रहा है और मासीयत के वसायल में भी रुकावट नहीं डाली जा रही। ये मोहलत मुजाहिरा रहमानियत व जमालियत। एक साहिब ने यह सवाल किया कि अगर मान लें कि रिस्क हमारे शहंशाह जमाना अजरल्लाह फर्ज शरीफ अता फरमा रहे हैं, तो जो लोग सूर और कुत्ते खा रहे हैं, क्या ये भी इमाम अलैहिस्सलाम तकसीम करके इनका रिज़्क करार देते हैं? इसका अवलीन इल्जामी जवाब तो यह है कि फर्ज करें रज़ाक इमाम अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि अल्लाह जल्ले जलालहू हो, तो ये एतराज तो रज़ाक के मुतलक पर भी आयद होता है। दूसरा जवाब यह है कि जिस चीज की सृष्ट जैसी होती है वैसा रिस्क मिलता है। बाज जानवर वेजिटेरियन होते हैं, बाज जानवर सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं। बाज की अवलीन तरजीह गलाजत और फुजला होता है, इन्हें वही कुछ फराम करना ही रजाकियत है। हदीस पाक है कि हराम जादे को हराम खोरी से पहचानो, यानी अगर वो हराम खा रहा है और उसे हजम भी हो रहा है तो समझो कि हराम जादा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हमारे बाद अल्लाह जल्ले जलालहू झूठे नबी माबूस फरमाएगा। इस वक्त एक हवारी ने सवाल किया कि हमने तो ये सुना है कि अल्लाह जल्ले जलालहू सिर्फ सच्चे नबी भेजता है और आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह जल्ले जलालहू झूठे नबी माबूस फरमाएगा, क्या अल्लाह जल्ले जलालहू झूठे नबी भी अरसाल करता है? इस वक्त उन्होंने फरमाया, हाँ, क्योंकि वो इन्हें इसलिए भेजता है कि जिन्होंने सच्चे को नहीं माना इन्हें झूठे का कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये सच्चे को ना मानने की सजा होगी, यानी इन्हें इनकी सरिश्त और फितरत के मुताबिक हादी और इमाम दिया जाए। कुरान करीम में है कि इमाम दो तरह के होते हैं, इनमें से एक गुमराह करने वाले होते हैं और हरामजादों को गुमराह इमाम देना ये भी तकाज़ा जमालियत व रहमानियत है। ये निज़ाम इसी तरह चलता आ रहा है और अपने नुक्ते कमाल तक पहुंच चुका है। अभी शायद चंद मामूली दर्जात बाकी हों, मगर बाकी अहम दर्जात अबूर होकर जलालियत का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे तस्बीह के दाने जब एक तरफ से इंतशार का शिकार होते हैं तो दूसरी तरफ इनमें एक जदीद इतिहाद पैदा होता है, इस तरह जो दाना या दर्जा जमाल से गुजरता है वो जलाल में जमा होता है। गोया हर दाना जमाल जब जमालियत का मुजाहरा हो चुका है तो जलाल में बदल जाता है, और जब जमालियत का आखिरी दाना भी जलाल में बदल जाएगा तो फिर पूरा जखीरा जलाल का होगा और जमाल इसके बातन में आता है। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर जमान नकवी अल बुखारी सरकार दामे जिल्ला ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब नहजुल मारफत फी इस्माउल कायम अजरल्लाह फर्ज शरीफ जिल्द अव्वल से पेश किए, और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अलजल अलजल या सफीनत अल निजात, या सायर अल बायर, या मोहसन आजम, या खातम अल औलिया, या इस्मत अल हुमम, अजल्लाहु तआला फरजक व सलावतुल्लाह अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद, व अजल फरज आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम।